अधर्म पर लहराती धर्म की विजय पताका का नाम है महाभारत। घमंड के दंभ पर विनम्रता का प्रहार है महाभारत। छल से छलनी होते शरीर पर वचनों का मरहम है महाभारत। कलंकित रिश्तों की काल कोठरी में मित्रता की पराकाष्ठा है महाभारत। ये वही महाभारत है जिसने भाई को भाई के विरुद्ध शस्त्र उठाने को मजबूर तो किया, परंतु अंतिम सांस तक मित्रता धर्म निभाने का हौसला भी दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस मित्रता की जिसमें कर्ण की दानवीरता का हृदय तो धड़क रहा था, परंतु उस धड़कन पर अधिकार था दुर्योधन की अधर्मी सोच का। और ऐसी मित्रता को निभाना कोई सरल कार्य नहीं होता, परंतु जब शत्रु एक हो तब सूर्य पुत्र कर्ण पर भी अधर्मी दुर्योधन का ग्रहण लग सकता है, और यही हुआ भी था। भले ही कर्ण के रथ का पहिया धरा में धंस गया हो, परंतु दोनों की मित्रता का पहिया कभी डगमगाया नहीं। और यही कारण है कि आज हिमालय के बीच कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती की मिसाल को देखा जा सकता है। परंतु इस बार सूर्य पुत्र कर्ण पर अधर्मी दुर्योधन का ग्रहण नहीं लगा, बल्कि इस बार स्वयं दुर्योधन ही ग्रहण की भेंट चढ़ गया। क्या है इस घटना के पीछे रहस्य, ये जानने के लिए हमें चलना होगा हिमालय के बीच बसे उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में, जहां स्थित है उत्तरकाशी। और यही है कर्ण दुर्योधन की मित्रता की मिसाल वो मंदिर जो अद्भुत है। उत्तरकाशी के जखोल में एक ओर है दुर्योधन का मंदिर, तो उसके कुछ ही आगे नेतवार गांव में है सूर्य पुत्र दानवीर कर्ण का मंदिर। और आज की गाथा का प्रारंभ करते हैं महाशक्तिशाली दानवीर कर्ण देवता के मंदिर से। दरअसल कर्ण को समर्पित इस मंदिर को शक्ति, शांति और मित्रता का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा इस गांव के आसपास लगभग 24 ऐसे गांव हैं जहां लोग दानवीर कर्ण की पूजा करते हैं और उनके समक्ष अपना शीश झुकाते हैं। ये लोग कर्ण को महाभारत का मात्र एक पात्र नहीं मानते, बल्कि कर्ण को देवता मानते हैं और उन्हें कुलदेव या इष्ट देव मानकर पूजा करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्थानीय लोगों की कर्ण के प्रति इतनी आस्था और श्रद्धा है कि गांव में अधिकतर मंदिर कर्ण और कर्ण के साथी द्वारपालों व कर्ण की गुरु माता के हैं। कहते हैं कि अगर किसी को सम्मान देना है तो उसकी अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, यही सबसे बड़ा सम्मान होता है। और यकीन मानिए, स्थानीय गांव वालों ने कर्ण को अपना सम्मान देने के लिए, उनकी अच्छाइयों को अपने जीवन में उतारने के लिए वर्षों पहले क्षेत्र में दहेज प्रथा को समाप्त कर दिया और साथ ही साथ जानवरों की बलि भी प्रतिबंधित कर दी गई। अब आप विचार कर सकते हैं कि अधर्म के रथ पर सवार होने के पश्चात भी जिस सूर्य पुत्र दानवीर कर्ण को पूरा विश्व अपनी पलकों पर बैठा सकता है, वो असल में कितने महान होंगे। कर्ण मानवीय स्वरूप में मात्र एक प्रकाश पुंज नहीं थे, बल्कि एक दैवीय अंश थे। वो कर्ण का प्रताप ही था कि अधर्मी दुर्योधन का साथ देने के बाद भी उनकी अच्छाइयों को इस पूरे विश्व ने नमन किया और उनको एक सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी योद्धा के तौर पर देखा। यही कारण है कि स्थानीय लोक गीतों में कर्ण की महानता का गुणगान होता है और साथ ही साथ दुर्योधन के साथ उनकी मित्रता का बखान होता है। चलिए अब बात करते हैं सूर्य पुत्र कर्ण के प्रिय मित्र दुर्योधन की, जिसके साथ ने भले ही अनजाने में कर्ण की छवि पर ग्रहण लगाने की चेष्टा की हो, परंतु जखोली के इष्ट देव दुर्योधन की छवि पर स्वयं ग्रहण लग गया है। दरअसल जखोली में दुर्योधन मंदिर का निर्माण स्थानीय लोगों द्वारा किया गया था। ये वो लोग थे जो अपने पूर्वजों के रूप में कौरवों की पूजा किया करते थे। यहाँ सोने की एक कुल्हाड़ी को भी देखा जा सकता है। मान्यता है कि ये कुल्हाड़ी कभी दुर्योधन की हुआ करती थी, परंतु दुर्योधन की कुल्हाड़ी यहाँ तक पहुँचने के लिए और ईष्ट देव के रूप में दुर्योधन को पूजे जाने के लिए उसका यहाँ तक पहुँचना भी आवश्यक था। तो आखिर दुर्योधन यहाँ पहुँचा कैसे? इसका उत्तर हमें मिलेगा स्थानीय लोगों में काफी प्रचलित एक मान्यता में, जिसके अनुसार एक बार दुर्योधन ने वर्तमान के जौनसार बावर क्षेत्र में हनोल की यात्रा की थी। परंतु जब दुर्योधन ने यहाँ की सुंदरता देखी तो वो आश्चर्यचकित हो गया। उसने स्थानीय देवता महासु से प्रार्थना की कि वो उसे हिमालय से लगती हुई घाटी दे दे। महासु देवता ने उसकी ये बात स्वीकार तो कर ली, परंतु उससे एक वचन ले लिया कि वो अब से क्षेत्र के लोगों की देखभाल करेगा और उनकी रक्षा का दायित्व भी उसका होगा। दुर्योधन ने महासु देवता की बात स्वीकार कर ली और तब से दुर्योधन स्थानीय लोगों की देखभाल करने लगा और इस क्षेत्र के लोग दुर्योधन की पूजा करने लगे।
मान्यता है कि उस दिन क्षेत्र के लोगों में हाहाकार मच गया। क्रंदन विलाप प्रारंभ हो गया जब महाभारत युद्ध में कौरव पराजित हो गए और दुर्योधन का वध कर दिया गया। स्थानीय लोगों के लिए दुर्योधन एक महान रणनीतिकार और एक कर्तव्य परायण क्षत्रिय था। उसकी महानता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने अपनी अंतिम लड़ाई में भी पांडवों में से उस योद्धा को चुना था जिसे पराजित करना अत्यधिक कठिन था, और वो था महाबलशाली भीम। जबकि दुर्योधन भली भांति जानता था कि वो गदा युद्ध में भीम के मुकाबले किसी भी अन्य पांडव को आसानी से हरा सकता है, फिर भी उसने अपने प्रतिद्वंदी के रूप में भीम को चुना। और ये थी उसकी एक महान योद्धा की पहचान जिस पर स्थानीय लोग गर्व करते हैं, परंतु अब ये गर्व किसी गर्त में दब कर रह गया है। और कर्ण दुर्योधन की मित्रता की मिसाल इस दुर्योधन मंदिर पर आज एक ग्रहण लग चुका है। दरअसल कर्ण देवता की पूजा करने वाले स्थानीय लोग और उनके भक्त कर्ण को ईष्ट देव पाकर गर्व महसूस करते हैं, अपने को गौरवान्वित समझते हैं, क्योंकि कर्ण को पूरा विश्व एक महान पुरुष के रूप में देखता है। परंतु दुर्योधन की छवि महाभारत के खलनायक की है, और जब भी कोई बाहरी व्यक्ति दुर्योधन के इस मंदिर को देखता है तो उसके सामने ये मंदिर मात्र ईष्ट देव की पूजा का स्थान नहीं होता, बल्कि उसके सामने एक ऐसा व्यक्तित्व खड़ा होता है जो महाभारत का सबसे बड़ा खलनायक था। इससे गांव वालों को बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी, जिस कारण गांव के लोगों ने मिलकर ये निर्णय किया कि अब इस मंदिर को दुर्योधन के रूप में नहीं बल्कि महादेव शिव शंकर के रूप में पूजा जाएगा। जिसके पश्चात इस दुर्योधन मंदिर को पूरे विधि विधान के साथ सोमेश्वर महादेव मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया, और अब नई पीढ़ी को इस बात पर विश्वास करना भी मुश्किल होता है कि यहाँ कभी उनके ईष्ट देव दुर्योधन की पूजा हुआ करती थी। वो अब इस मंदिर को शिव मंदिर के रूप में ही पहचानते हैं, और अब धीरे धीरे दुर्योधन की हर पहचान इस गांव के मस्तिष्क पटल से ओझल होती जा रही है। और आंशिक ग्रहण के पश्चात अब यहां कर्ण दुर्योधन की दोस्ती पर पूर्ण ग्रहण लगने ही वाला है। लोगों की भावनाओं और उनके ईष्ट देवों के रूप में कर्ण दुर्योधन की पूजा को लेकर आपके मन में क्या विचार आता है, और जिस तरह से दुर्योधन मंदिर अपनी पहचान खो चुका है उसे लेकर आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो।